लोग सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस आज से करते हैं ब्लॉग स्टार्ट, और काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि कुछ दिनों से गाइस पहाड़ों में चल रहा है आजकल काम क्या चल रहा है गाइस, पीछे देख सकते हो आप गेहूँ, सारे गेहूँ वगैरह काटने का काम चल रहा है और यही काम चल रहा है आजकल। और पीछे को देख सकते हो गाइस, अब शिमला मिर्ची के भी नॉर्ड भी होने लग गए हैं, और इसके बाद शिमला मिर्ची वगैरह लगाने वाला हो जाएगा टाइम हमारे वहाँ। और काफ़ी मस्त हो रहा है आज मौसम, और अभी आधी तूफान आने वाला है, इसलिए मैंने कहा ब्लॉग बना लेता हूँ आज। पीछे देख सकते हो उन पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा हवा आने वाली है, आपको दिखाऊंगा अभी, और काफ़ी मस्त लग रहा है। और बात तो यह है कि गाइस अभी जो मौसम हो रहा ना, काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है, बिल्कुल मज़ा ही आ गया मौसम को देखकर। तो अभी एक गाड़ी भी आने वाली है नीचे रोड में, सीमेंट वगैरह आ रहा है उसमें, और गाँव का है हमारा भी है, तो लेने जाना है मेरे को। और आधी तूफान आई, कैसा सीन रहता देखेंगे आज, क्या बताओ, उस वक्त तो बारिश आ जाए और उस वक्त देखेंगे कितना मस्त रहता है। और गाइस वैसे काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ ब्लॉग, और ब्लॉग बना तो रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद, पर लेकिन कोई अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा है, पर लेकिन जो भी है आप लोगों के साथ ही है, मतलब जो भी है मेरा। इतना ख़राब मौसम हो रखा है, और इस लूटे को देखो, और पहाड़ी भाषा में इसे लूटे कहते हैं, ये घास का होता है गाइस, घास का थोड़ा, मतलब घास को हम एक जगह पर रख के बनाते हैं ऐसे, काफ़ी मस्त है। अच्छा और उधर से देख सकते हो गाइस आधी आ चुकी है, बारिश भी आ रही है आधी के साथ, और इस पेड़ को, पेड़ की हालत देख सकते हो आप कैसे कर रहा है, और इस पेड़ को देखो बिल्कुल खतरनाक लग रहा है ना, एकदम भयंकर वाला। अभी देख, अभी तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है, रखते हैं फटाफट और गेहूँ वगैरह रख ही लेते हैं, वरना पता लगा महंगा आज तूफान आ गए, गेहूँ बिक गए, मम्मी हमको भिगा देगी फिर गेहूँ की तरह। तो चलते हैं फटाफट, और जैकी और टॉमी को देख सकते हो पीछे से, अरे आधी आने वाली छे कपने ओड़ा फोड़ा डाला, चलो था चल चल चल, तो चल चल घर चल, आती आना घर चल। देखा गाइस, कहना तो गाइस यही मानते हैं मेरा, और कोई कहना मानते नहीं है, करण से बोलो वो भी कहना नहीं मानता है। और ये देख सकते हो आप अंगूर की बेल, अभी ये भी टूटने वाली लग रहा है मुझे, हवा बहुत तेज़ आ रही, देख सकते हो आधा झुक गया इस साइड को, और इस फूल की हालत देख सकते हो आप, काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है, इस तूफान काफ़ी तेज़ आने वाला हो रखा है। और अभी इतना सोच रहा हूँ कि क्या बता, कैंपिंग करने चले जाएँ हम, और जाएंगे तो फटाफट कैंपिंग का सामान भी रखना पड़ेगा, और लाइट भी गुल हो चुकी है हमारे वहाँ, तो पहाड़ों का यही सीन होता है गाइस कि कभी भी जैसे कि थोड़ा सा भी बारिश तेज़ आने वाली हो जाएगी या आधी तूफान आने वाला हो जाएगा ना, तो लाइट चली जाती है। और अभी तो मेरे उसमें चार्ज वगैरह भी मैंने करा था, पर फिर भी पता नहीं हो जाएगा, तो आज शाम के लिए पता नहीं, जो भी होगा, अगर मतलब हवा पानी मतलब आधी तूफान कम होगी और बारिश ज़्यादा होगी तब जाएंगे, क्योंकि बारिश में ही करना है गाइस, रेन कैंपिंग करने की कोशिश करेंगे आज, और जो कि आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तो आपको बाहर का और मौसम दिखाता हूँ, जैकी और टॉमी तो ऊपर आने वाले नहीं लग रहे मुझे, और हम चलते हैं फटाफट ऊपर, तो चलते हैं फटाफट छत में, वहाँ से देखते हैं कैसा नज़ारा आ रहा है हमारे वहाँ का पहाड़ का, और जो हमने ग्रिल बनाई थी गाइस, अब इसी से चल रहा हूँ ऊपर को, काफ़ी मस्त हो गया ऐसे, काफ़ी मस्त हो रहा है मौसम, ये देख सकते हो गाइस मेरे बाल भी ऐसे उड़े ना ऊपर को, ऐसा लग रहा है कहाँ पर आ गया, और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का झंडा, ये देख सकते हो इस झंडे को देखकर बोल सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही तेज हवा चल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। देखो सभी लोग अपने अपने गेहूँ वगैरह आ रहे हैं, वरना बारिश आ गई तो गेहूँ सारे खराब रहते हैं। यहाँ पर भी देखो गाइस हमने गेहूँ रखे हैं, और एक तिरपाल हमने ढक दिया है जो कि बारिश में ओह ना ख़राब ना हो, तो काफ़ी मस्त हो रहा है आज तो, बिल्कुल पता नहीं, जाते हैं नीचे कैंपिंग का करते हैं तैयारी, बट क्या पता बारिश होगी तभी जाएंगे, ना हवा चलेगी तो फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कैंप भी उड़ जाएगा और हम भी उड़ ही जाएंगे। राजा जी गाइस अभी आधी तूफान के मौके पर हम जा रहे हैं नीचे सीमेंट लेने के लिए, और काफ़ी दिक्कत की बात है क्योंकि अगर बारिश आ गई तो सीमेंट भी ख़राब हो सकता है, तो फटाफट जाते हैं। और मैं अपने साथ आया हूँ शुभम को, और अभी मेरे जो वो है ना जैकी और टॉमी, वो भी चले गए आगे से, वो भी दिखाऊंगा आपको, और मैं भी रोड में जा रहा हूँ, तो मौसम तो अभी तब भी मतलब उतनी हवा नहीं पड़ रही अभी तो, और जल्दी से जल्दी आ जाएगी गाड़ी तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, वरना तो गाइस भीग जाएंगे। जय कर रही हूँ हैं, तो ये देख सकते हो गाइस पीछे चले गए, वो नीचे लाइट है कि लाइट, तो हो फोन ले आना,
फोन तो ले आना, तो आ चुकी है। जैकी को देखो आप, काफ़ी खतरनाक हवा चल रही है, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक। टॉमी को देखो आप, अरे हवा पड़ना खर्च नहीं गए, तो देख सकते हो हवा की पड़ना भयंकर, तो खतरनाक हुआ। फाइनली अभी हम रेडी हो चुके हैं और बाहर का मौसम देख सकते हो, पानी बारिश होने वाली है, हो गई है बारिश। मैंने बोला था कि बारिश होगी तो जाएंगे करके, तो अभी तो हो रही है बारिश। और तो गाइस पैकिंग हो रही है हमारी, पैकिंग हो चुकी है, जिसके बैग वगैरह कर लिया पैक हमने, और लकड़ी वगैरह भी कर ली पैक। हाथ आ रहा है करण, देख सकते हो आप। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, पीछे से मौसम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और मेरे साथ मेरा भाई छोटा भाई करण आ रहा है, शुभम और राहुल भैया तो नहीं आ रहे हैं, पता ही है आपको, डर गए डर। तो देख सकते हो काश जात जो होता है जी भूमजी, जी भूमजी भगवान, तो ये हमारे यहाँ के भूमजी भगवान जी हैं, हमने मन्नत तो मांग ली है। और ये तो काश मेरा ब्लॉग था आज का, तो हम अपने कैंपिंग एरिया में पहुँचते हैं, उसके बाद काश कल वाले वीडियो में आपको कैंपिंग की वीडियो दिख जाएगी। काश अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो कल वाला जो ब्लॉग आएगा वो 6 बजे आएगा, और आज से मैं 6 बजे डाल रहा हूँ ब्लॉग, और आज का मैं बहुत लेट हो जा रही है ब्लॉग के, और गाइस बीच में कुछ ब्लॉग नहीं डाल पाया था इसके लिए सॉरी। तो अभी तो हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, रेन कैंपिंग, तो उसकी वीडियो कल आएगी, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं गाइस आपको कैंपिंग वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।